सुबह से लेकर अब तक हमें एक मिनट भी नहीं हम फारग हुए और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। यहाँ तकरीबन 6000 वोट इधर कास्ट होने हैं और सुबह से ही लोगों में जो हमें तो नहीं थी कि इतना जोशो खरोश होगा, लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अहमद सुभानी कहते हैं। नाज़रीन, आज हम हलका एन ए 128 में मौजूद हैं और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंट भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बताइएगा यहाँ पे लोगों के जोश खरोश कैसे देख रहे हैं? ये हम इछरे में खड़े हैं जी, जूनियर मॉडल स्कूल है और यहाँ तकरीबन 6000 वोट इधर कास्ट होने हैं और सुबह से ही लोगों में जो हमें तो नहीं थी कि इतना जोश खरोश होगा, लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और अंदर आप स्टेशन के अंदर तो काफ़ी लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा जोर है, जो लोग सारे शेर को और ओम चौधरी साहब के उकाब को या रश है, जोर है इधर। मुझे बताइएगा ये जो SMS और कॉल में इतनी मसला आ रहा है, इस बारे में क्या आवाम को कुछ परेशानी वगैरह हो रही है? ये इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी सामने देखने में आ रही है, लोगों के वोट नहीं मिल रहे और ऐप बंद की हुई है, फ़ोन बंद हैं, तो जिससे लोगों के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारी हुकूमत से इस्तदआ है कि इसे फौरी तौर पर खोला जाए ताकि टर्नओवर जो है ना वो बेहतर हो सके। आप बताइएगा कि यहाँ पर कितने वोट हैं और आपको क्या लगता है कैसा जोश खरोश है हमारी आवाम का? ये तकरीबन 5 से 6000 वोट है स्टेशन पर और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत जोश जज्बा है। सुबह से लोग निकल रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत निकल रहे हैं और पहले की तरह कन्वेंस लोग नहीं, कैंडिडेट नहीं लेके जा रहे, लोग खुद ही आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इधर बेहतर रिजल्ट है और जो वाजिया नज़र आ रही है लोगों की वो नून लीग और उकाब के लोग ज़्यादा इधर हैं, वोटर यहाँ पर ज़्यादा हैं। हाँ, इधर ज़्यादा है इधर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। ये मियां हफीज़ पोलिंग एजेंट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बताइएगा यहाँ पर अवाम का जोश खरोश किस तरह देख रहे हैं? अवाम का जोश खरोश बहुत ज़्यादा है और टर्न आउट बहुत ज़्यादा जा रहा है और यहाँ तकरीबन 6000 कम बेश वोटर हैं। 6000 और सुबह से लेकर अब तक हमें एक मिनट भी नहीं हम फारग हुए और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। कब से आए हुए हैं आप? सुबह 7 बजे से हम बैठे हुए इधर आ गए। हाँ जी, और मुझे बताइएगा जो SMS और जो कॉल वगैरह का मसला हो रहा है, इस बारे में क्या? वो हमने ऐप इंस्टॉल की हुई है, ऐप से चल रहा है, वाईफाई से चल रहा है। क्या आवाम को मुश्किलात तो नहीं आ रही इस वजह? मुश्किलात तो आ रही हैं लेकिन हम उनसे सॉल्व कर रहे हैं। किस तरह मैनेज कर रहे हैं? मैनेज यही ऐप से कर रहे हैं ना, जो ऐप डाउनलोड की हुई है उसमें हम वो कर रहे हैं, वाईफाई से चल रहा है, बाकी तो सिस्टम आपको पता ही सारा जो हुआ है। आप किस तरह देख रहे हैं अपने आवाम के जोश खरोश को? आवाम का जोश सुबह से बहुत ज़्यादा है और जोग लोग आ रहे हैं और टर्नओवर अच्छा रहेगा इस दफ़ा। वैसे भी हमारे सेंटर पे 6000 तकरीबन वोट हैं जो कास्ट होने हैं, इस वजह से इस सेंटर पे ज़्यादा रश है। अच्छा, 6000 है, कम से कम आपको क्या लगता है कितने लोग आ गए हुए हैं इस वक्त तक? तकरीबन 2000 वोट कास्ट हो गए। अच्छा, 2000 हो गए हुए हैं। सुबह 7 बजे से आप आए हुए हैं, अब तक 2000 हो गए। और जो SMS और कॉल वगैरह का मसला है, इसमें हमारे यहाँ पे ऐप चल रहा है, हमारा हमने उसको इंस्टॉल किया हुआ था। आवाम को किसी किस्म की परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, आवाम को वो मुतमिन करके आराम से वोटिंग करा रहे हैं अंदर, मतलब अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे पोलिंग स्टेशन में कोई मतलब ऐसी कोई बात जिससे कोई तलखी हो वो नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका, रहती हैं एक दूसरे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं आप अपने जोश खरोश आवाम का किस तरह है? मतलब खालिद खोखर का माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जीत दे, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में जा रहे हैं। सुबह से 7:30 से आज तक मैंने नहीं देखा कि इतने लोग जोश खरोश से आए हों। अच्छा, मतलब कि इस दफा देखा, इस दफा क्या लगता है? बहुत जोश खरोश है, जोश खरोश ज्यादा है उनका, मतलब खालिद जीतेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जब से मियाँ साहब आए हैं पाकिस्तान में, लोगों का जोश खरोश भी बढ़ गया है और लोगों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। आज का जोश खरोश कैसा? आज वही कह रहा हूँ ना, लोगों का जोश खरोश इसी वजह से बढ़ा कि मियाँ साहब आने के बाद, ठीक है, और लोग बड़े वो शिद्दत के साथ लोग कह रहे हैं कि हमने मियाँ साहब को वोट डालना है, कि अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है और वो सच्चे साबित हो गए हैं और अल्लाह के हुक्म से वो वोट भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि शेर को ही ज़्यादा लोग परफाइज कर रहे हैं, समझ आई है? वो पहले वो जो थे, जो भी हुआ है वो हम उसकी बात नहीं करते, हम अल्लाह की, मैं अपने कायद की बात करके हैं, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनको जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।